बहनी राम राम। विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारे गांव में गौशाला है तो आप सब हमारे साथ चलिए, हम गौशाला का सैर कराएंगे। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और पत्थर पानी में मार के खेल रहे हैं। गौशाला में हम पहुंच चुके हैं और आप सबके हम बारी बारी से दिखाएंगे। तो जो गाय की देखभाल करते हैं तो उन्हीं लोग को ये व्यवस्था है, यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर संचालय बना है और काफी अच्छा बना है दोस्तों। तो यहाँ गाय के लिए चारा ढेर सारा रखा गया है और यहीं से गाय के चारा इसमें खिलाया जाता है। इस समय ठंडी है, न गाय बहरे रहती है, इस समय गाय अंदर है। तो हम गाय के दिखाएंगे। तो यहाँ पर ढेर सारा जगह है, ये देखिए इस साइड बहुत ज्यादा ही जगह है। इसमें पेड़ भी है और इसमें पाती अभी झर गई है और जो नई पाती आएगी हरियाली रहेगी, छा रहेगा नीचे। पाइप द्वारा इसमें पानी आता है दोस्तों। तो ठंडी का महीना चल रहा है, दीदी लोग ये ऊपरी बनाई है इसको तापने के लिए। और यह ढेर सारा दोस्तों खाद है। तो लाइन नहीं रहती है दोस्तों, तो इसी टंकी से गाय की पानी पिलाया जाता है। और लाइन रहती है पाइप द्वारा, उसको पानी उसमें नाद में उसको डाला जाता है। तो चलो हम आगे भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ढेर सारा व्यवस्था है गाय के लिए। और जो दीदी है गाय के देखभाल करती है, दीदी यहाँ बगल में बैठी हुई है। ढेर सारा इस गाय है और काफी दूर तक में है, ये देख लीजिए। ये देखिए गाय काफी अच्छी है और डर रही है हमको देख के, बहुत सुंदर लग रही है। और बगल में देखिए इसमें इसको खाने के लिए चारा रखा गया है, जो गाय का भोजन होता है चारा। और एक टंकी में बगल में पानी। तो गाय के लिए व्यवस्था देखिए, ढेर सारा पत्रा रखा गया है और पन्नी लगाई गई है दोस्तों। ये रात में इसको गिरा देते हैं तो गाय के बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी। तो उसमें लोहा जाम किया गया है और लोहे से लोहे में गाय को बांधा गया है। तो जो थोड़ा बहुत अपने घर से लाई हूँ और थोड़ा हमने गेहूं काटा लिया है, वो लाई का ढूंढा लिया है, तो गाय के अपने हाथ से खिलाऊंगी। तो गाय को हम अच्छे से इसको एक लाई का लड्डू खिला देती हूँ। गाय के चला देती हूँ और देखिए गाय काफी अच्छी खा रही है। एक गाय का बच्चा है देखिए, उनमें से अंदर से छुड़ा लिया है।
चला हम घर तो हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, हमारे वीडियो को कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। चलो हम दिखाते हैं और जहाँ पे गाय के लिए घर में चारा रखा जाता है। तो यहाँ पर ढेर सारा चारा रखा गया है और काफी दूर में बना हुआ है। तो यहाँ से चारा हमने थोड़ा सा गाय के डालेंगे। हेलो, इसको डर लग रहा है। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, गाय की सेवा करते हैं, तो चूल्हा बनाया है खाना बनाने के लिए, उस साइड लकड़ी रखे हुए हैं, बर्तन वर्तन ढेर सारा सभी व्यवस्था है, क्योंकि हमेशा रहना पड़ता है। तो दीदी और भैया लोग गाय की देखभाल करते हैं, यही स्थान पे रहते हैं, क्योंकि गोरु है, मतलब देखना पड़ता है। कहाँ दीदी? बिहार घर में। तो दीदी अपना बता रहे हैं कि बिहार हमारा घर है, काम करे रोड में। अच्छा, दोनों टाइम गाय का उससे जो गोबर होता है वो साफ करना पड़ता है, तो दीदी साफ कर रही हैं। तो जो गाय का गोबर होता है तो यही जगह पे रखा जाता है, ये खाद हो जाती है, बहुत ही अच्छी खाद बनती है गोबर का। आज हमारा गौशाला का सैर कैसा लगा दोस्तों? हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।